हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री के यूनिट 5 के ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने यूनिट 4 यूनिट 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी और आप देख सकते हो। और अगर आपको फिजिक्स के और बायोलॉजी के अगर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो और वहां से आप वीडियो देख सकते हो। अगर आपको 2020 एग्जाम के लिए फिजिक्स के और केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर चाहिए, गेस्ट पेपर आपको यानी पेपर में उन्हीं में से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप हमारे गेस्ट पेपर को देख सकते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी ठोस की सतह पर अधिशोषित होने वाले पदार्थ को कहते हैं, ध्यान से सुनना है, किसी ठोस की सतह पर अधिशोषित होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी अगर ठोस की सतह पर कोई पदार्थ अधिशोषित होता है तो उस पदार्थ को अपन अधिशोष्य कहते हैं, यानी अधिशोष्य पदार्थ कहते हैं उसको, अधिशोष्य कहते हैं। जब किसी ठोस की सतह पर कोई अधिशोषित होने वाले पदार्थ को जब किसी ठोस पर कोई पदार्थ अधिशोषित होता है तो उस पदार्थ को अपन अधिशोष्य कहते हैं, यानी अधिशोष्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा प्रश्न है कि भौतिक अधिशोषण ताप वृद्धि पर, यानी भौतिक अधिशोषण है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ताप बढ़ा दिया जाए, तो बताइए जो भौतिक अधिशोषण है उसमें क्या परिवर्तन होगा। भौतिक अधिशोषण घटेगा या बढ़ेगा या अप्रभावित रहेगा या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भौतिक अधिशोषण है या अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ताप बढ़ा दिया जाए, तो भौतिक अधिशोषण अपना घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोटी है ये, इसको आप अच्छे से याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोटी। ठीक है, अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न अपना, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को, उत्प्रेरक होते हैं वे अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं, घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं या परिवर्तित करते हैं। यहाँ रहते की जगह परिवर्तित करते होगा और यहाँ होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अपना हो जाएगा कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ना तो घटाते हैं और ना बढ़ाते हैं, क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते, कभी घटा दे वे, यानी धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को घटा देते हैं, और उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और ऋणात्मक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। और उत्प्रेरक का काम क्या है, ना तो घटाना ना बढ़ाना, परिवर्तित करता है। ठीक है, यह अभिक्रिया वेग को क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, अब आइए चौथा प्रश्न है, हार्डी सूज नियम संबंधित है, यानी जो अपना हार्डी सूज नियम है, ये मैंने आपको दिया भी है, दो नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हार्डी सूज नियम, इसको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो आइए, हार्डी सूज नियम संबंधित है, हार्डी सूज नियम आपका स्कंदन से संबंधित है, किससे संबंधित है, स्कंदन से। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं पांचवा प्रश्न अपना कि कोलाइडी विलयन में कितनी प्रावस्थाएँ पाई जाती हैं, जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें कितनी प्रावस्थाएँ पाई जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दो, कोलाइडी विलयन में प्रावस्थाएँ या अवस्थाएँ, ठीक है, कितनी पाई जाती है, दो अवस्थाएँ पाई जाती हैं। छठवां प्रश्न है, द्रव रोधी सेल के स्थायित्व का कारण है। ऑप्शन ए ब्राउनी गति, ऑप्शन बी विद्युत आवेश, ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव, ऑप्शन डी है ब्राउनी गति और विद्युत क्षेत्र की जगह यहाँ होगा आवेश। ठीक है, यहाँ गलत लिख गया है, आवेश होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पता है, द्रव रोधी सोल के स्थायित्व का कारण ब्राउनी गति और
आवेश, यानी ये दोनों हैं ब्राउनी गति और विद्युत आवेश, ठीक है दोनों। सातवां प्रश्न है, अंतराप्रस्थ पर घटित नहीं होता है, जो अपना अंतराप्रस्थ है उस पर क्या घटित नहीं होता है, क्रिस्टलीकरण या बेसमांगी उत्प्रेरण या समांगी उत्प्रेरण या संचरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कि अंतराप्रस्थ पर अपना समांगी उत्प्रेरण घटित नहीं होता है, अंतराप्रस्थ पर समांगी उत्प्रेरण घटित नहीं होता है। आठवां प्रश्न है कि असंभव अंतराप्रस्थ है, इसमें से कौन सा है, कौन सा अंतराप्रस्थ ऐसा है जो असंभव है, यानी है ही नहीं है, ठीक है, यानी है नहीं है वो अंतराप्रस्थ, असंभव मतलब है नहीं है वो अंतराप्रस्थ, ऐसा इसमें कौन सा है जो अंतराप्रस्थ नहीं है, तो यह गैस, गैस गैस अगर मिलती है तो कोई अंतराप्रस्थ नहीं बनता है, ठीक है। तो इसमें से असंभव अंतराप्रस्थ है गैस गैस, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आइए नौवा है, नौवा प्रश्न है एंजाइम, अब देखना ध्यान से, एंजाइम माल्टोज द्वारा उत्प्रेरित क्रिया है, एंजाइम माल्टोज द्वारा उत्प्रेरित क्रिया है, बताइए स्टार्च माल्टोज या माल्टोज ग्लूकोज या सुक्रोज ग्लूकोज या ग्लूकोज एल्कोहल। तो देखो एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित क्रिया पूछ रहा है, सॉरी माल्टोज द्वारा क्या पूछ रहा है, उत्प्रेरित क्रिया, तो माल्टोज ग्लूकोज होगा, क्या होगा माल्टोज ग्लूकोज, माल्टोज द्वारा पूछ रहा है तो माल्टोज ग्लूकोज, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, तो पहला है अधिशोषण, अधिशोषण डॉट 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 क्रिया है, जो अपनी अधिशोषण है वो कैसी क्रिया है, तो अधिशोषण अभी आपने पढ़ा भी होगा, अधिशोषण भौतिक कैसी क्रिया है, भौतिक क्रिया है, अधिशोषण कैसी क्रिया है, भौतिक क्रिया है। दूसरा प्रश्न है दूध एक डॉट 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 है, देखो दूध एक क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि दूध एक पायस भी है और कोलाइड भी है, दूध क्या है एक पायस भी है, दूध एक पायस भी है और कोलाइड भी है, क्या है कोलाइड, कोलाइड और पायस एक ही होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कोलाइड और जो पायस होता है वो एक ही होता है, ठीक है, कोलाइड और पायस एक ही होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आइए तीसरा जो प्रश्न है कि द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन डॉट 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 कहलाता है, जब द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है, द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन जेल कहलाता है, जेल, ठीक है, जब द्रव में ठोस घुलता है, जब द्रव में ठोस घुलता है तो क्या कहलाता, तो क्या बन जाता है, जेल बन जाता है, ठीक है, तो द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन जेल कहलाता है, ठीक है, जेल, इसका करेक्ट आंसर होगा जेल। अब आइए चौथा प्रश्न आपका कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन डॉट 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 प्रभाव कहलाता है, तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का यानी कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश जो आपके कोलाइडी विलयन से गुजरता है वो क्या कहलाता है, आपका टिंडल प्रभाव में क्या होता है, प्रकाश कोलाइडी विलयन से गुजरता है प्रकीर्णित होता है यानी फैलता है, तो प्रभाव क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा टिंडल, टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल प्रभाव कहलाता है, ओके। पांचवा प्रश्न है उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करते हैं डॉट 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 उत्प्रेरक कहलाते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करते हैं वे आपके धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, कौन से, धनात्मक, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, और जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में कमी करते हैं वे आपके ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, कौन से, ऋणात्मक उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, क्या करते हैं परिवर्तित, और धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक घटा देते हैं, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं, इनमें से आपकी एक गोटी आएगी 100% एग्जाम में, अच्छे से रखें इनको याद, ठीक है। छठवां प्रश्न है कि हाड़ी सूजन नियम के अनुसार, हाड़ी सूजन नियम दिया था कि आयनों की स्कंदन क्षमता आयनों के डॉट 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 पर निर्भर करती है, यानी आयनों की स्कंदन क्षमता आयनों के आवेश पर निर्भर करती है, आयनों के आवेश पर निर्भर करती है आयनों की स्कंदन क्षमता, आयनों की जो स्कंदन क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है, वो आपके चार्ज पर डिपेंड करती है यानी आवेश पर निर्भर करती है, ठीक है।
अब आइए सातवां प्रश्न। जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, यानी जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपन अधिशोषक। क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं। अधिशोषक क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं। जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। आपसे यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ऐसे कि अधिशोषक किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है कि जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे ही अपन अधिशोषक कहते हैं। बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है, और आप अगर पढ़ाई को इजी मानकर अगर पढ़ोगे तो आप 100% जीवन में सफल हो जाओगे और एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। इसीलिए आप हमेशा कितनी भी कठिन पढ़ाई हो उसको आप सिंपल तरीके से पढ़ने की कोशिश किया करें, ठीक है। और आपका माइंड फ्री भी होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपका माइंड फ्री नहीं होगा तब तक आपको कोई भी मन नहीं लगेगा पढ़ने में, ना ही वीडियो देखने में लगेगा, ना ही आपका पढ़ने में लगेगा। यानी आप पहले काम से फ्री होइएगा, उसके बाद आप वीडियो देखना है, पढ़ना है, जो भी कुछ करना है वो करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देखें, भले ही ना आप वीडियो देखें लेकिन आप पढ़ें ज़रूर, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे। इसीलिए आप पढ़ें ज़रूर, ठीक है। और आपका जो आठवां प्रश्न है, दाब वृद्धि के साथ भौतिक अधिशोषण की क्रिया में क्रिया की मात्रा में डॉट 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 होती है, क्या होती है? तो द्रव वृद्धि के साथ साथ भौतिक अधिशोषण की क्रिया क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी वृद्धि होती है। भौतिक अधिशोषण की मात्रा वृद्धि होती है, जैसे ही दाब में वृद्धि होगी तो भौतिक जो अधिशोषण की मात्रा है उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और ताप बढ़ाने पर क्या होता है? भौतिक अधिशोषण घटता है। ताप ध्यान रखना है कि जब आप ताप बढ़ाते हो तो भौतिक अधिशोषण क्या हो जाता है? घट जाता है। और जब आप दाब बढ़ाते हो तो भौतिक अधिशोषण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दोनों ही अपोजिट है, उल्टे व्युत्क्रम है। जब आप ताप बढ़ाओगे तो जो भौतिक अधिशोषण है वो क्या होगा? कम होगा। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है और दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं, या उत्पन्न की जगह क्या होगा? संपन्न होगा, गलत लग गया है, संपन्न होगा, ठीक है। यानी वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कि वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं डॉट 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 कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं आपकी प्रकाश सक्रिय, प्रकाश सक्रिय क्रिया कहलाती हैं, ठीक है। कौन सी कहलाती हैं? प्रकाश सक्रिय, प्रकाश सक्रिय, प्रकाश सक्रिय कहलाती हैं, ठीक है। आइए अब अपना जो प्रश्न है दसवां, समांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक व क्रिया कारकों की भौतिक अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह पूछ रहा है कि समांगी उत्प्रेरण में, समांग मेन पॉइंट को पकड़ा करो आप, समांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक व क्रिया कारकों की भौतिक अवस्था डॉट 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 होती है। यानी समांगी उत्प्रेरण में क्या होता है कि उत्प्रेरक की और क्रिया कारकों की जो भौतिक अवस्था होती है वो आपकी बराबर होती है, यानी समान होती है। किसमें? समांगी उत्प्रेरण में। समांगी उत्प्रेरण में आपकी उत्प्रेरक और क्रिया कारकों की जो भौतिक अवस्था होती है वो आपकी इक्वल होती है, समान होती है, बराबर होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी होती है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अब आइए एक शब्द उत्तर, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 5-6 हैं, तो उनको आप जल्दी से देख लीजिएगा कि कोलाइडी कणों की गति को क्या कहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कोलाइडी कणों की जो गति होती है उसको क्या कहते हैं, बताइए। आपने पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोलाइडी कणों की गति को अपन ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, उन्होंने ही गति का, कोलाइडी गति का निर्माण किया था, बताया था, ठीक है, कि कोलाइडी कणों की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है, नियमित अनियमित होती है, ठीक है। यानी इस कुछ इस प्रकार से होती है, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, मतलब कोलाइडी कणों की गति। तो कोलाइडी कणों की गति को क्या कहते हैं अपन? ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। अब आइए दूसरा प्रश्न है, किसी अवक्षेप को कोलाइडी कणों में बदलना क्या कहलाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी अवक्षेप को कोलाइडी कणों में बदलना क्या कहलाता है। तो आपने कहीं ना कहीं याद किया होगा, और मैंने भी आपको प्रश्न दिया है 2 अंक के लिए, कि किसी अवक्षेप को कोलाइडी कणों में बदलना
पेप्टीकरण कहलाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, दो नंबर के लिए भी और एक नंबर के लिए भी, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। इसीलिए आप इसको याद रखें कि किसी अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलना, सॉरी कोलाइडी कणों में बदलना क्या कहलाता है, पेप्टीकरण कहलाता है। अब आइए तीसरा प्रश्न है कि कोलाइडी कणों का आकार आकार लिखो। तो कोलाइडी जो अपने कण होते हैं उनका आकार क्या होता है, उनका होता है 10^-9 मीटर से 10^-7 मीटर। अगर आपसे मीटर में पूछे तो आपको यह लिखना है, अगर आपको सेंटीमीटर में पूछे तो इसको सेंटीमीटर में कैसे चेंज करोगे, सिंपल है यार, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप कि इसमें क्या कर दोगे, 100 का गुणा कर दोगे और इसमें भी आप 100 का गुणा कर दोगे, ठीक है। तो यह माइनस के 9 है और यह प्लस के 2 जीरो है, यह क्या जीरो ही तो है, माइनस 9 यानी कम है माइनस 9, और यह -7 जीरो और ये प्लस के 0 है, तो यह क्या हो जाएगा, यह सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर दिया, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए 100 का गुणा कर गया, ठीक है। अब देखो नौ में से 2 गए तो कितने बचा, -9 में से प्लस के 2 गए तो -7 बचे, और सेंटीमीटर में बन गया से कितना बचेगा, यहाँ इसमें से -7 में से 2 जीरो गई तो 10^-5, ठीक है, समझ में आ गया। आइए नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, दोबारा समझ में आ जाएगा। अब आइए चौथा प्रश्न है कि कोलाइडी कणों के द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का क्या कारण है, यानी यह पूछ रहा है कि कोलाइडी कणों के द्वारा जो टिंडल प्रभाव अपन को प्रदर्शित होता है उसका कारण क्या है। तो उसका सिंपल सा कारण है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, ठीक है, प्रकीर्णन, उसका टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता है कोलाइडी कणों के द्वारा उसका कारण क्या है, प्रकीर्णन है, क्या है, प्रकीर्णन, ठीक है। अब आइए पांचवा प्रश्न है कि उत्प्रेरक शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया। जो उत्प्रेरक शब्द अभी आपने पढ़ा था कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं और धनात्मक घटा बढ़ाते हैं और ऋणात्मक घटाते हैं, ठीक है। तो यह शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया तो बताइए, इस तो मैं आपको बताता हूँ कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया वर्जीलियस ने, वर्जीलियस एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, वर्जीलियस ने किया था, ठीक है, उन्होंने वर्जीलियस ने उत्प्रेरक का उपयोग प्रथम बार किया था। अब आइए छठवा है कि उत्प्रेरक विष का एक उदाहरण दीजिए। तो उत्प्रेरक विष का एक उदाहरण लिख लो आप कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो H2SO4 होता है, H2SO4 बनाने की संपर्क विधि में, H2SO4 बनाने की संपर्क विधि में जो आप सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि पढ़ते हो उसमें जो आपका AH2O3 होता है यह आपका उत्प्रेरक विष होता है, ठीक है, क्या होता है, उत्प्रेरक विष। तो आपको उत्प्रेरक विष का क्या लिखना है, एक उदाहरण लिखना है, तो AT SO4 आपको लिख देना है कि सल्फ्यूरिक बनाने की संपर्क विधि में, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में AH2O3 क्या एक उत्प्रेरक विष है, ठीक है। अब आइए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। अब आइए सातवां प्रश्न है कि साबुन की प्रचालन क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है। यह मोस्ट पर साबुन की जो प्रचालन क्रिया है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह पायसीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर, पायसीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह किसके सिद्धांत पर आधारित है, पायसीकरण, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। आठवां प्रश्न है कि विकिरण के अवशोषण से संपन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाती है। मैंने आपको अभी बताया था कि विकिरण के अवशोषण से संपन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, अभी बताया था मैंने आपको, क्या कहलाती हैं, ध्यान करें, प्रकाश सक्रिय क्रियाएं, ठीक है, प्रकाश सक्रिय क्रिया, मैंने आपको अभी बताया था, ध्यान करो क्या प्रश्न क्या है कि विकिरण के अवशोषण से संपन्न होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं, तो प्रकाश सक्रिय क्रिया कहलाती हैं। प्रकाश सक्रिय क्रियाएं वे क्रिया होती हैं जो विकिरण के अवशोषण से उत्पन्न होती हैं, किससे, विकिरण के अवशोषण से उत्पन्न होती हैं, प्रकाश सक्रिय क्रिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है पिछली वाली को तो प्लीज़ देख लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।